डोगरा विरासत का इतिहास काफ़ी पुराना है और इस इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जायका। आज हम आपको जिस जायके से रूबरू करवाने जा रहे हैं उससे हर कोई वाकिफ है, वो जायका है राजमा चावल। ये हर इतवार को जम्मू के हर घर में शायद बनाया जाता होगा और शायद इतवार का इंतज़ार भी इसीलिए किया जाता होगा कि इस दिन राजमा चावल बनेंगे। इसी जायके से हम रूबरू कराने जा रहे हैं और राजमा चावल के साथ अगर आपको अनारदाने की चटनी और देसी घी का स्वाद मिल जाए तो क्या बात है। कहाँ सर्व होता है जम्मू में, कौन सी जगह है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। आइए चलते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं शर्मा होटल के बिल्कुल अंदर और यही वो जगह है यहाँ से ये जायका बनाया जाता है, सर्व किया जाता है लोगों को। हम आपको विस्तार से इसका पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से ये यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी 12 बजे हैं और अभी ये पूरी तैयारी हो चुकी है सर्व करने के लिए, बिल्कुल तैयार। और थोड़ी देर में यहाँ पे जो कस्टमर हैं जो इस जायके का मज़ा लेंगे उनका तांता लग जाएगा। और यहाँ सर्व किया जाता है राजमा चावल और ड्राई पनीर जो कि सिर्फ हल्का हल्का तेल में फ्राई किया गया है और थोड़े इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा अनारदाने की चटनी और मूली के साथ, और इस अनारदाने की चटनी में अनारदाना है, पूतना है और वो सब चीज़ें, छोटे छोटे मसाले डाले गए हैं, खड़े मसाले डाले गए हैं और अच्छी तरह पीस के इसको बनाया गया। और इसमें एक लंबा समय लगता है इस तरह का ये सब तैयार करने में। हमारे साथ शर्मा जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। शर्मा जी, ये कब से शुरू हुआ और आज आपका सफ़र यहाँ तक पहुँचा? हमारा होटल है रापगढ़ बगर में, उसको हो गया 1955 में खोला था वो, 1955 से वहाँ से चल रहा है बारा, उसी की ये ब्रांच जो हमने जम्मू में खोली है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको? अच्छा मिल रहा है। अच्छा, क्या क्या सर्व करते हैं आप? हम करते हैं राजमा चावल है, देसी घी डालते हैं, पनीर रखा है ड्राई, ये अनारदाने की चटनी है। तो इसमें क्या रेट्स क्या रहेंगे? रेट्स बगैर घी के 60 है। अगर सिर्फ राजमा चावल खाना है अनारदाने की चटनी के साथ 60 रुपये, 60 रुपये। अगर घी डाला तो 80, घी डाला तो 80, अगर पनीर का पेस्ट डालोगे तो 100 रुपया। अगर कोई, मोस्टली लोग क्या करते हैं आजकल हेल्थ कॉन्शियस है, घी नहीं लेते हैं, पनीर लेते हैं तो 80 रुपये। तो लोग काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी हमने देखा, काफ़ी रश रहता है आपके पास। अच्छा काम है। तो इस तरह का जो शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी, असर बगर से? कितना टाइम हो गया? रामगढ़ बगर से, वो 1955 में खुला है, वहाँ चल रहा है हमारा होटल, उसी के बराज खोली है। तो जम्मू में कैसे मन में आया कि यहाँ भी खोलना है? मन में चल रहा था बड़ी देर से, लोग उधर हमारे पास खाना खाते थे ना जम्मू के या उधमपुर के, कोई भी आया जहाँ से, आप भी जम्मू भी में खोलो एक, हमने इधर भी खोल लिया एक, तो अच्छा काम है। शर्मा जी, आप हमारे भद्रवाह के होते हैं, अच्छे राजमे हैं, राजमा वहीं के होते हैं, पूरे वर्ल्ड फेमस हैं भद्रवाह के राजमा, चावल ही आप स्टैंडर्ड क्वालिटी के बनाते हैं। मेन प्रायोरिटी है कि ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, ग्राहक कोई नाराज नहीं होता, खुश होकर आता है, जो एक दफ़ा आता है दोबारा फायदे लेकर आता है अपना, क्योंकि जम्मू बहुत बड़ा है, बड़ा फैला हुआ है। तो लोग जानना चाहेंगे कि ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, थोड़ा बताएंगे क्या, कहाँ पे लोगों को आना है? ये अपना एजुकेशन क्या बोलते हैं, डोगरा चौक में, डोगरा प्रेस क्लब के साथ, प्रेस क्लब के बिल्कुल गेट के बाहर ही ये आपका ढाबा है, डोगरा चौक के सामने प्रेस क्लब के पास है। शर्मा जी, आप हमें क्या इस जायके का क्या देने, हमें क्या खिलाने जा रहे हैं? आपको राजमा चावल, घी डालेंगे, पनीर डालेंगे, आप खुद ही टेस्ट देखेंगे कि कैसा है।
आपको खुद पसंद आ जाएगा। चलो इस जायके का मजा लेते हैं और जानते हैं कि क्या जो शर्मा जी ने कहा, जो फीडबैक लोगों से मिल रहा है, क्या वास्तव में उसमें दम है, इस राजमा चावल में कितना दम है, ये तो हम आपको खाने के बाद ही बताएंगे। बहुत ही उम्दा, बहुत ही जायकेदार, इसमें राजमा चावल हैं, घी डाला गया है देसी घी, उसके बाद एक ड्राई पनीर का पीस है जो कि इस स्वाद में, इस जायके में चार चांद लगा रहा है। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन है। उसके साथ आपके साथ है ये अनारदाने की चटनी, मूली के साथ सर्व की जाती है, और इस तरह का जो कम्बिनेशन है, अगर जम्मू की बात की जाए तो बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है। आप पीड़ा गए होंगे, आप अक्सर बग्गर गए होंगे, वहाँ पे इस तरह का जायका जो है वह सर्व किया जाता है, और काफ़ी तादाद में लोग जो अमरनाथ यात्री जाते हैं या टूरिस्ट कश्मीर को जाता है तो वो पीड़ा में ज़रूर रुकता है इस स्वाद के लिए। लेकिन अब इस स्वाद के लिए, इस जायके के लिए आपको इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जम्मू में ही ये जायका जो है वो सर्व किया जा रहा है, बिल्कुल प्रेस क्लब के साथ। राजमा चावल शर्मा होटल, आप वहाँ आएँ और अपनी फैमिली के साथ आएँ और इस जायके का मज़ा लें। बहुत ही उम्दा, ज़्यादा मसाले नहीं हैं इसमें, सिर्फ प्याज है, और जो घर में आप नमक मिर्च डालते हैं और जो मसाले डालते हैं हल्के फुल्के वही हैं, और उसके साथ बढ़िया क्वालिटी का चावल है, पनीर ताज़ा पनीर है जिसको हल्का फ्राई किया गया है, उसके बाद इसको सर्व कर दिया गया है, बिल्कुल हेल्दी खाना है, और अनारदाने की चटनी है मूली के साथ। तो इस तरह का जो कम्बिनेशन है जम्मू में काफ़ी रेयर है। अब हम इस स्वाद का मज़ा लेते हैं और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ के जो लोग आते हैं, जो यहाँ पे आके खाना खाते हैं और इस जायके का मज़ा लेते हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। आखिरी फैसला जो होता है वो होता है कस्टमर का, वो खा के क्या बोलता है, इस जायके को किस तरह से लेता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात भी करेंगे कि वो इस जायके को किस तरह से ले रहे हैं। पहले भी काफ़ी बार उन्होंने राजमा चावल खाए होंगे, लेकिन स्पेशली शर्मा जी के यहाँ पे जो बग्गर से आते हैं, वो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे इस जायके को सर्व कर रहे हैं, और अभी इन्होंने जम्मू में भी इस जायके को सर्व करना शुरू किया। लोगों से जानते हैं कि वो किस तरह का उनका फीडबैक रहा है। सर, आपका नाम क्या है? राहुल सर। राहुल साहब, पहली बार आए हो, कैसे आना हुआ यहाँ और कैसे, किसने रेफरेंस दिया यहाँ का? एक्चुअली यहाँ पे मेरा कज़न एज ए डॉक्टर यहाँ पे जॉब कर रहा है, तो वो स्पेशली आता है ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो उसने प्रेफर किया है यहाँ पे आना, बोलता है बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, राजमा चावल स्पेशली इनके फेमस है, तो उस वजह से हम अभी टेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा खाना है। क्या क्या कहेंगे आप खा रहे हो तो किस तरह का? बहुत अच्छा है, लजीज है एकदम। क्या क्या ऑर्डर किया यहाँ? राजमा चावल है, स्पेशली हमने राजमा चावल ही किया है, पनीर भी आपने? हाँ, पनीर भी उसके साथ। देसी घी नहीं लिया आपने? देसी घी डाल के सब कुछ ऑर्डर किया आपने, पूरा जायका ले रहे हैं पूरा पूरा, तो साथ में अनारदाने की चटनी भी है। इस तरह का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है बड़ा रेयर है जम्मू में, नहीं नहीं कहीं मिलता नहीं है। एज ए आप जितने मर्जी महंगे महंगे होटलों में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ ऐसे रेस्टोरेंट में, लेकिन ऐसा फ्लेवर नहीं मिलेगा आपको जितना टेस्ट यहाँ पे खाने में मिल रहा है अभी। अनारदाने की चटनी है, मूली है बीच में, पनीर का एक ड्राई पीस है काफ़ी बड़ा, उसके बाद राजमा है, चावल हैं, आई थिंक राजमा भी भद्रवाह से ही होंगे क्योंकि ये लोग अक्सर बग्गर से वहाँ से आते हैं, और जो इसका प्रेजेंटेशन है बहुत बढ़िया है, और फीडबैक जो हमें लोगों से मिला वो भी काफ़ी उम्दा है, और यकीनन आप लोगों को भी एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ आना चाहिए क्योंकि इनके पास स्पेस काफ़ी बहुत ज़्यादा है। जी, स्पेशली इनकी चटनी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, अनारदाने की चटनी है। जी जी जी, अनारदाने की चटनी है, छोटे मोटे मसाले हैं, पूतना है, हर वो फ्लेवर इसमें डालने की कोशिश की गई है जो कस्टमर को यहाँ तक खींच के ले आए। मैं तो बहुत बार आता हूँ, हफ्ते के दो बार आता हूँ यहाँ पे, अच्छा है इनका खाना,
बहुत टेस्ट है, तभी तो आता हूँ। नया रहता बीजीपुर में हूँ, जम्मू जब भी आना होता है इधर खा के ही आता हूँ। तो अपनी फैमिली के साथ जरूर आइए। और सबसे बड़ी बात जो लोग ये अभी देख रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल उनका ये होगा कि अगर वो फैमिली के साथ आते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट क्या है। सामने आप ये देख रहे हैं, ये सिटिंग अरेंजमेंट है। इसके बाद इसको एक्सपेंड भी किया गया है। अगर आप खुले में खाना चाहते हैं, जिस तरह का मौसम अभी चल रहा है, सर्दी है, तो आप यहाँ ओपन में बैठकर भी खा सकते हैं। 12 से 15 लोग जो हैं वो यहाँ बैठकर इस जायके का आनंद ले सकते हैं। और हर कोई इसको चखना चाहेगा, ज़रूर यहाँ आना चाहेगा। और सवाल भी ये होगा, ये एग्जैक्टली है कहाँ? ये डोगरा चौक के बिल्कुल सामने प्रेस क्लब के बिल्कुल साथ ये जायका सर्व किया जाता है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, एक और फैमिली कॉर्नर भी यहाँ पे है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर आप गर्मियों में आओगे तो यहाँ आपको एसी, फैन सब कुछ मिलेगा। और दूसरा, आप फैमिली के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होकर यहाँ बैठ सकते हो, स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है। और इस जायके को हर कोई चखना चाहेगा। और सिटिंग अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ओपन में बैठ सकते हो आप, अंदर फैमिली के साथ बैठ सकते हो। और यहाँ पर आपने एंट्रेंस लिया, वहाँ आकर भी इस जायके का मज़ा ले सकते हो। और जिस तरह से मैंने आपको लोकेशन पहले ही बता दिया, और यहाँ पे जो सर्व किया जाता है, राजमा चावल, अनारदाने की चटनी देसी घी के साथ, और एक पनीर भी साथ में सर्व किया जाता है। वो आपका ऑप्शनल है, अगर आप पनीर नहीं लेना चाहते हो, अगर आप देसी घी नहीं लेना चाहते हो तो वो अलग बात है। लेकिन एक बार यहाँ आकर इस जायके का मज़ा ज़रूर लीजिए। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, यू फॉर यू के लिए।